इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना वैक्सीन को लेकर दिल्ली तैयार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह बात कही है। वैक्सीन प्लान पर अपने थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें उन्होंने कहा है कि जिन्हें वैक्सीन देनी है उनकी पहचान हो चुकी है। ये बात कही है मुख्यमंत्री केजरीवाल ने। पहले फेज में 1.2 करोड़ डोज की जरूरत पड़ेगी। दिल्ली के अंदर 51 लाख लोगों को सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन के लिए 3 कैटेगरी बनाई गई है और इस पूरे वैक्सीन प्लान पर यानी वैक्सीन जो जानकारी है उसके मुताबिक वैक्सीन को मंजूरी इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अगले हफ्ते तक मिल सकती है। उससे पहले दिल्ली का वैक्सीन प्लान क्या है ये बात मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बताई है, सुनिए। वैक्सीन अपने दिल्ली के लोगों को वैक्सीन देने के लिए पूरा इंतजाम कर लिया है। दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है केंद्र सरकार से वैक्सीन रिसीव करने के लिए, वैक्सीन को स्टोर करने के लिए और लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए। केंद्र सरकार ने 3 किस्म के प्रायोरिटी लोगों को लिस्ट बनाई है। प्रायोरिटी एरिया 3 किस्म के प्रायोरिटी एरिया बनाए गए हैं कि पहले इन लोगों को दिया जाएगा। उसमें है सबसे बड़ा प्रायोरिटी एरिया हेल्थ केयर वर्कर, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, ये जितने लोग हैं हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं उन लोगों को सबसे पहले दिया जाएगा। दिल्ली में लगभग ऐसा एस्टीमेट है कि 3 लाख के करीब हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। दूसरा है फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जैसे पुलिस वाले हैं, जैसे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, जैसे म्यूनिसिपल वर्कर्स हैं, इस किस्म के लोगों को फ्रंटलाइन वर्कर्स बोला जाता है। दिल्ली में उम्मीद है ऐसे लोगों की संख्या लगभग 6 लाख है। और तीसरी कैटेगरी है वो लोग जो कि 50 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, या अगर 50 साल से कम उम्र के हैं तो उनको किसी किस्म की कोमोर्बिडिटी है कि 50 साल से उम्र तो कम है लेकिन डायबिटीज़ है या हार्ट की बीमारी है या कोई और ऐसी बीमारी है जिसमें कोरोना कई बार जानलेवा हो जाता है। तो दिल्ली का वैक्सीन प्लान क्या है यह बात मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बताई। इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर बहुत जल्द आपको अच्छी खबर मिल सकती है। देश में बन रही वैक्सीन को अगले हफ्ते मंजूरी मिलने के आसार है। सीरम इंस्टीट्यूट ने CDSCO को ट्रायल डेटा सौंप दिया है। ट्रायल डेटा का एनालिसिस करने के बाद मंजूरी मिल सकती है और ये मंजूरी अगले हफ्ते तक मिल सकती है। भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल सकती है, इसको लेकर पहले ही अप्लाई कर दिया था सीरम इंस्टीट्यूट ने। वैक्सीन का इंतजार है, हिंदुस्तान पूरी तरीके से तैयार है। और इस बीच जब इमरजेंसी अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन दिए गए थे तब CDSCO की ओर से सीरम इंस्टीट्यूट से मांगे गए थे इमरजेंसी ट्रायल के डेटा और अब वो डेटा पहुंच चुके हैं एजेंसी के पास। उसका एनालिसिस करने के बाद जल्द अगले हफ्ते तक मंजूरी मिल सकती है। इस बीच वैक्सीन से जुड़ी अच्छी खबर आपको बताते हैं। भारतीय वैक्सीन को अगले हफ्ते मंजूरी मिल सकती है। कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिलेगी। वैक्सीन का 3रे चरण का ट्रायल चल रहा है। सीरम ने CDSCO को ट्रायल डेटा सौंप दिया है जिसकी पहले मांग की थी CDSCO ने। भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका को भी मंजूरी मिल सकती है, यह भी बड़ी खबर है। फाइजर ने भी इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मांगी है और इसके लिए अप्लाई किया है। लेकिन सबसे अच्छी खबर यह है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका की जो वैक्सीन है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है उसने इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अप्लाई किया था। अब उसने अपना ट्रायल डेटा भी CDSCO को सौंप दिया है। और अब स्टेटस देखिए वैक्सीन का मौजूदा स्टेटस क्या है। गैमेलिया की कंपनी जो है देश रूस में 3रे चरण में है। डोज उसके 2 होंगे। 91.4% एफिकेसी है। एस्ट्राजेनेका ब्रिटेन 3 चरण इसके पूरे हो गए करीब करीब और 2 डोज इसके लिए चाहिए होंगे। 90% एफिकेसी है। तो ये अलग अलग देशों की जो वैक्सीन है और वहाँ पर स्थिति क्या है उस वैक्सीन को लेकर, सिनोफार्म बीजिंग की अगर बातचीत करें, मॉडर्ना की बातचीत करें, एनजेस जायडस कैडिला की बातचीत करें, भारत में जिसके 3रे चरण का ट्रायल चल रहा है और 2 डोज जरूरी होंगे।